रहा है लेवन, ठीक है। तो प्रारंभ में आधी दूरी तय करने में लगा समय, इतनी दूरी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर जैसे टी वन मान लो, समय बराबर दूरी कितनी है एक्स बटे दो, चाल कितनी है अपने पास 20 × 20 कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अंतिम आधी दूरी तय करने में लगा समय T2 बराबर क्या हो जाएगा, वही फिर से एक्स बाई टू मल्टीप्लाई वाई, इस बार क्या है 30 है, आधी दूरी तो वही एक्स बाई टू और वो क्या है 30 है। बस अब तो बच्चों खेल हो गया, समय आ गया, दूरी आ गई, मार रख दो वहां पर, अपने आप आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई समस्या हो तो मैसेज करके या पर बोल देना माइक अनम्यूट करके, कोई भी समस्या हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या है अपने पास औसत चाल निकालने का सब कुछ अपने पास डाटा निकल के आ गया, मान रख रहे। देखो इस एक्स से मत डलो, कट जाएगा क्योंकि ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, कट जाएगा। वी एवरेज बराबर कुल दूरी कितनी है एक्स बटे में, अच्छा ये कितना है इसके मान रख दो, एक्स बटे दो गुणा 20 प्लस एक्स बटे दो गुणा 30। बस सब में आपको ये एक्स एक्स दिख रहा होगा, नीचे वाले में से अपन ऐसा करते हैं एक्स बटे दो बाहर निकाल लो, दो क्यों, मैं तो बोल रहा हूँ एक्स बटे 20 ही निकाल लो बाहर। देखो जीरो जीरो भी दोनों में है, दो दो भी दोनों में, तो ये निकालता कि अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। इतना बचा अपने पास अंदर, सॉरी एक्स नहीं बचेगा अंदर, तो एक ही बचेगा ना, ये एक एक, इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, ठीक है बराबर। अब तो सॉल्व करना है, ये 20 जाएगा ऊपर, ये 20 लिख दिया मैंने ऊपर बटे में, इसको अब आपको सॉल्व करना है, एक बटे दो प्लस एक बटे तीन को जोड़ना है बस। अब तो यानी कि आपने एलसीएम कितना ले लिया 6, तो दो से कितना जाएगा 3 बार + 2 बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आगे, ये 6 जाएगा बिल्कुल ऊपर, 2 20 × 6/5, 5 × 20 6 × 24 24 किलोमीटर/hr अपना आंसर आ गया, और बिल्कुल सही भी है क्योंकि तो मैंने क्या बताया था 20 और 30 के बीच में आते हैं हमेशा हमारे आंसर हमेशा 20 और 30 के बीच में आएंगे, तो देखो 20 और 30 के बीच में आ गया 24, ठीक है। अच्छा कल मैंने एक वो बताई थी ट्रिक लास्ट में जाते जाते, तो ट्रिक से भी हो जाएगा ये, एक ट्रिक लाई थी ना मैंने कि 2 × AB / A+B, यहां पर ए और बी क्या है चाल है, देखो 2 × 20 लिखा × 30 लिखा / 50 कर दिया, क्योंकि 20 और 30 50/50, देखो काटो, ठीक है 5 से 5 = 20, 4 × 8 = 24 24 किलोमीटर/hr। तो ट्रिक से भी आते हैं, ट्रिक भी काम करती है, मैं ये नहीं बोला ट्रिक काम नहीं करती, ट्रिक भी काम करती है, लेकिन ट्रिक का सिर्फ एक ही यहां पर यूज है कि जब दूरी ये दोनों बराबर हो तब ट्रिक काम करेगी, वरना ट्रिक फेल हो जाएगी। तो मैं तो बोलूंगा आप ऐसे ही निकाल लो हमेशा, ठीक है, क्योंकि तो ट्रिक आपको सिखाई जाएगी जब 12वीं पास हो जाओगे, तब क्या होता है वहां पर आपको क्वेश्चन आते हैं, सरकारी नौकरी में 100 क्वेश्चन आते हैं, टाइम होता है 1 घंटा, अब 1 घंटे में 100 क्वेश्चन तो फिर तो ऐसे ही करने पड़ेंगे ना, ऐसे करने बैठेंगे तो 3-4 क्वेश्चन हो पाएंगे बस। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो मुझे मैसेज द्वारा, कोई भी प्रॉब्लम हो अनम्यूट करके पूछ लो कि सर कैसे क्या सुन कैसे कहां कौन सी कहानी कौन सी कविता सुना रहे हो। चलो अब अपन अगले टॉपिक पर अपन आगे बढ़ते हैं, त्वरण एक्सलरेशन ये क्या होता है, ये कौन सी बला है, एक्सलरेशन तो पहली बार सुन रहे हैं, सुना है लेकिन आप लोग बोलते गलत हो ना, अब सुना तो सबने है लेकिन बोलते गलत हो, इस वजह से नहीं सुना है, सुना सबने। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सलरेशन, ले हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको एक्सलरेटर बोलते हैं, एक्सलरेटर तो एक्सलरेशन होता है एक्चुअली में। चलो त्वरण अगला प्रश्न है, अब इसको समझते हैं। देखो जब कोई चीज समझाने की आएगी तब तो बहुत बढ़िया आ जाएगा समझना, लेकिन अब जो सवाल वगैरह फिजिक्स है ना आपकी, जो इलेवंथ की जो फिजिक्स है उसमें सवाल बहुत है, ट्वेल्थ की में इतने नहीं है, इलेवंथ की में बहुत सवाल है, तो सवालों से थोड़ा सा फैमिलियर होना सीखो, डरो मत, दूर मत भागो, उनसे लड़ो, ठीक है, उनसे लड़ने की कोशिश करो,
सवालों से। चलो अगला क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। इसके प्रकार बहुत बढ़िया बढ़िया प्रकार है, चलो इसके प्रकार बताइए। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सलरेशन, अपने यहां इसको क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी में बोलते नहीं मोटरसाइकिल का एक्सलेटर, एक्सलेटर बोलते हैं इसको अपने यहां। तो वही है ये, वही है ये। तो बेसिकली इसका सूत्र क्या होता है, त्वरण को अपन ए से बताते हैं, ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, ये इसका सूत्र है। अच्छा कल मैंने बताया था अगर सूत्र मालूम हो जाए तो 90% डेफिनेशन खत्म, कुछ नहीं रखा। समय को बोल दो तू एक बन जा, एक सेकंड, समय को मैंने बोल दिया तू ऐसे एक सेकंड है, तेरी वैल्यू सिर्फ एक है, ठीक है एक सेकंड। एक सेकंड को हिंदी में बोलते इकाई या एकांक, कुछ ही बोल दो आपकी मर्जी। एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है, देखो अगर ये एक बन जाएगा तो ये ए बराबर क्या आ जाएगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा, और भी होती है इसकी, देखो डेफिनेशन तो बहुत सारी है। अच्छा एक चीज और है फिजिक्स के अंदर, ये जो दर होती है ना, दर 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 बराबर समय होता है, दर मतलब होता है समय, एक तरह से दर मतलब ये इसका क्या है पर्यायवाची समझ लो, दर का पर्यायवाची क्या होता है समय होता है, लेकिन इसमें दर का मतलब, दर का मतलब आ गया तो समय इसके बटे में है, जो समझ लो समय क्या है बटे में, तो यानी कि इसको एक एक इसकी एक हो जाएगी। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो कोई भी लिख के आ जाए, परिभाषा तो बहुत आसान है, अगर सूत्र आता है तो परिभाषा लिखना तो बहुत ही बच्चों वाला खेल है, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब इसको समझते हैं ये क्या है ये वेग में परिवर्तन। चलो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी अपनी बाइक चालू की और चलना अपन स्टार्ट करते हैं अपने घर से, अपने गांव की ओर जा रहे हैं। अब मतलब शिवपुरी में रहते हैं कुछ लोग बच्चे, तो अपने गांव की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर रूम ले लिया है, अपने गांव की ओर निकले बाइक से, चलो निकले। चलिए तो यहां से सबसे पहले उसकी स्पीड कितनी थी, जीरो थी। अब भैया बाइक चालू करेगा तो ये तो नहीं कि स्टार्टिंग से 100 रख दे, पहले तो जीरो होगी ना, कांटा अपने आप जीरो से बढ़ेगा धीरे धीरे। अब अगले सेकंड बाद उसने स्पीड 10 कर दी, 10 किलोमीटर एक सेकंड बाद, फिर अगले दो सेकंड बाद उसकी स्पीड 20 हो गई, फिर अगले सेकंड बाद 30, फिर अगले 40, फिर 40 के बाद, फिर यहां और दूर कर लेता हूं, यहां अगले सेकंड बाद 50, तो बढ़ाता जा रहा है, लेकिन 100 से आगे मत, मतलब 50 60 बहुत है, 60 से आगे नहीं, खतरा है फिर वहां से, 60 से आगे नहीं। तो इतने पे उसने रोक दी 60 पर, 60 के बाद उसने कॉन्स्टेंट रख दी बराबर यहीं पर। तो इस यहां से लेकर इतने के अंतराल में हर सेकंड वो क्या कर रहा है, अपनी स्पीड 10 बढ़ा रहा है। तो वेग में परिवर्तन देखो हर सेकंड कितना, 10 का परिवर्तन। तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं, त्वरण, क्योंकि वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है 10 का, तो उसे हम बोलेंगे ये क्या हो गया त्वरण ए। यहां त्वरण कितना है 10 है, यहां त्वरण आप बोल दोगे यहां त्वरण कितना है 10 है। अच्छा अगर मैं बोलूं एक आदमी बिल्कुल फिक्स स्पीड से, उसने बोल दिया कुछ भी हो जाए मैं तो 60 की स्पीड से 50 की स्पीड से जा रहा हूं, मैं तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ना मैं 50 से 40 कर रहा ना मैं 60 कर रहा, 50, क्या उसके पास एक्सेलरेशन है, नहीं है। जैसे अच्छा सिंपल सी बात है अपन तो अपने बाइक पे जा रहे हैं, जब जब आप उसको घुमाते हो ऐसे करते हो ना, जब जब उसको ऐसे करते हो तब तब एक्सेलरेशन आता है। अगर आपने उसको घुमाना बंद कर दिया बिल्कुल टाइट एक ही जगह फिक्स करके रखे हो तो एक्सेलरेशन नहीं है, सिंपल सी बात। देखो समझ, यहां रटने की बात नहीं, देखो समझने की बात है। एक्सेलरेशन कब होगा, जब आप उसके वेग में, वेग यानी कि उसकी स्पीड में, वेलोसिटी में क्या करोगे, परिवर्तन करोगे, तब आएगा ये एक्सेलरेशन, वरना ये नहीं रहता, वरना गाइड। अगर आप बाइक से जा रहे हो आपकी स्पीड फिक्स है 50, तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन हाँ
सर आप बोलोगे सर ये तो सर आपने बोले सर ऐसे ऐसे घुमाते हैं, लेकिन कुछ अगर हमको कम करनी है तब भी तो हम उसको घुमाते हैं, हाँ तब भी घुमाते हैं, तब भी एक्सीलरेशन है, लेकिन तब कैसा एक्सीलरेशन है, ऋणात्मक घटने वाला एक्सीलरेशन। जैसे कि मान लीजिए आपकी स्पीड 100 है, अब अचानक हमने दूर से देख लिया भैया दो तीन वो आ रहे हैं ट्रक, तो अपन को स्पीड कम करनी है, तो आपने 100 से 90 की, फिर 80 की, फिर 70 की, फिर 60 की, फिर 40 की, फिर 30 की, फिर 20 से आप बच गए। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ क्या है, ऋणात्मक एक्सेलरेशन है। त्वरण कैसा है, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक त्वरणों को फिजिक्स में एक अलग नाम बोलते हैं, मंदन। जब 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 बढ़ता है तब उसको बोलते हैं त्वरण, लेकिन है तो वो भी, या तो उसको ऋणात्मक बोल दो त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, लेकिन यहाँ पर इसको एक नया नाम दे दिया गया, मंदन। मंदन ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। आए समझ में, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जब जब आप इसमें स्पीड चेंज करते हो उसे अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, जब जब आप अपना एक्सेलरेटर घुमाते हो वो होता है अपना त्वरण। अच्छा अच्छा, इसका मात्रक, अच्छा मात्रक छोड़ने वाले नहीं, ये नहीं छोड़ने वाले कभी। इसका मात्रक की मैं बात करूं, मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक कोई कोई बताएगा, इसका मात्रक क्या हो सकता है, इसका मात्रक बताओ मैसेज करके। हमें कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब क्या कुछ पता नहीं चल रहा, क्या पता नहीं चल रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या स्क्रीन पे, ऐसे घुमा के रखो, घुमा के सीधा सीधा रखोगे मोबाइल को तो कौन सा चैप्टर है। अच्छा चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति, दूसरा तीसरा चैप्टर चालू हो गया आपका सरल रेखा में गति, एक चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट। अगर जिसको नहीं मिला है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, तो वो उसकी सारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है तो आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा मैं इसके मात्रक की बात कर रहा था, मात्रक की मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति, इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति, या इसे एक बिंदु गति भी बोल देते हैं, ठीक है। चलो चलो चलो, अच्छा मुझे नहीं मिला, आप मुझे मैसेज कर दो, वहां से सारी वीडियो मैं सेंड कर दूंगा, देख लेना, जाना मत देखना, चार पांच तो देख ही लेना, चार पांच तो देख लेना वरना दिक्कत आए। अच्छा मुझे फटाफट इसका पहले मात्रक बताओ ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं, कहानी बहुत अच्छी स्टार्टिंग होने वाली है फिर। क्या एक्स माइनस, मात्रक क्या हुआ, एक्स माइनस टू क्या। अच्छा मीट, बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत बढ़िया बताया, अशोक शर्मा जी ने बहुत बढ़िया, इन लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है मात्रक, मीटर पर सेकंड। देखो देखो क्या है ना, मात्रक अब तो निकालना बच्चों वाली चीजें हो गई। देखो बेग, ऊपर क्या लिखा हुआ है बेग, नीचे क्या लिखा हुआ है समय। बेग का मात्रक मैं कल ही बता चुका हूँ, मीटर पर सेकंड होता है। जैसे कि अच्छा आपकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है उसमें स्पीड किसमें लिख के आती है, किलोमीटर पर ओवर में, किलोमीटर पर ओवर में, वो क्या है एक तरह का बेग ही तो है। लेकिन यहाँ अगर ऐसा ही पद्धति में किलोमीटर को हम मीटर बोल लेते हैं, समय को क्या वो किसमें नापते हैं सेकंड में, तो क्या क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बेग, और नीचे क्या लिखा है सेकंड, तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया कजानंद शर्मा जी, मीटर पर सेकंड। चलिए अब हम चलते हैं इसके प्रकार की ओर, ये कितने प्रकार के होते हैं। चलो त्वरण तो आगे समय में, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे भी अपन त्वरण कहते हैं। तो काफी सारी डेफिनेशन है, आप कोई भी याद कर लो, दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी लिख के आ जाओ। चलो अब हम इसके बात करते हैं, इसके प्रकार बताइए, प्रकार ये दो प्रकार का बेसिकली माना गया है। पहला है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, जैसे अभी मैंने बताया ना, जैसे कि हर सेकंड बराबर चेंज हो रहा है, जैसे जियो से चालू हुए, जियो से 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई, लेकिन समय भी सबके बीच में फिक्स होना चाहिए। जैसे एक सेकंड कोई भी, जैसे मान लीजिए 3 सेकंड वाला आपने 10 किया तो दर भी 3 सेकंड होने चाहिए,
इधर भी 3 सेकंड होने चाहिए, इधर भी 3 सेकंड होने चाहिए। यानी कि यदि किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो समान समय में बराबर हो रहा है, ठीक है, समय भी बराबर हो और अंतर इनके बीच में बराबर हो, तो उससे हम बोलेंगे एक समान त्वरण। क्या बोला? जब समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो, समान कैसा हो, परिवर्तन हो, तो उसे हम बोलते हैं एक समान त्वरण। आए समझ में? ठीक है, जब बिल्कुल आपने चीज फिक्स कर ली हर सेकंड बाद में बढ़ाऊंगा, हर 3 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद, जो भी आपके दिमाग में आया कि हर 4-5 सेकंड बाद में फिक्स करता हूं इतनी इतनी स्पीड में बढ़ाऊंगा। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और होता है ना, अपन इतना इतना सोच के थोड़ी जाते हैं। अपन बाइक जब यूज करते हैं, बाइक वगैरह जब अपन चलाते हैं, तो इतना थोड़ी सोचते हैं कि अपन को टाइम बिल्कुल एक्चुअल फिक्स रखना है। ये तो सब ऐसी बातें होंगी एक समान त्वरण, तो जैसे कि हवा वाली बातें हो गई, ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है वैसे। चलिए, हाँ लेकिन होता है ना, अरे मैंने क्यों नहीं होता, अपने अपने साथ नहीं होता। जो एरोप्लेन होते हैं उनकी स्पीड बिल्कुल फिक्स रहती है कि तुम्हें हर सेकंड इतनी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, ऐसे नहीं है या अपनी मर्जी चाहे इतनी स्पीड कर लो, उनकी उनके लिए ये काम देता है एक समान त्वरण। चलो अब अपन चलते हैं असमान त्वरण। असमान त्वरण अब तो क्या है, ये तो आपके मूड पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोग घर से निकले, सीपुरी से निकले आप लोग, बढ़िया, अपने गांव की तरफ जा रहे हो सीपुरी से, तो सबसे पहले क्या हुआ, रास्ते में थोड़ी सी भीड़ भाड़ थी, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, पहले 0 थी, आपने 20 से चलाई आपने, तो यहाँ पर कितना आ गया चेंज 20 का, तो यहाँ कितना हो गया त्वरण 20 का हो गया। देखो समय अगर मैं अगर एक सेकंड लेके चल रहा हूं तो, ठीक है, समय अगर मैं एक सेकंड लेके चलूंगा तो हो जाएगा त्वरण 20। अब आपने सोचा कि भाई चलो स्पीड थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते, क्या रिकॉर्डिंग चालू हुई क्या, अरे चल रही, चलो अच्छी बात है। चलो अब आपने सोचा कि चलो भाई स्पीड अपन निकालते हैं, चलो मतलब रोड थोड़ी खाली मिल गई, आपने स्पीड बढ़ा दी, चलो 40 कर दी स्पीड, चलो 40 हो गई, ठीक है। अब भी चलो देखो सेम ही हो पाया, देखो 0 से 20 से अब भी अंतर 20 है, लेकिन अब बिल्कुल हाईवे आ गया, बिल्कुल अपना बाईपास वाला, यहां पर आपने अचानक आपने स्पीड कर दी 80, अब देखो चेंज हो गया ना, यहां अंतर 20 का था, यहां अंतर 40 का आ गया, ठीक है। अब आपका बिल्कुल गांव बिल्कुल पास में दिख रहा था, आपको सोचना कि मुझे हीरो की तरह बनना है, सब गांव वालों को दिखाना है कि भाई मैं हीरो हूं, तो आपने स्पीड क्या कर दी 100 कर दी। अब जाना हीरो बनने के चक्कर में गाड़ी आपकी रपट गई, फिसल गई, गए आप मुंह के भर गिर गए, तो स्पीड होगी 20, ठीक है, स्पीड होगी 20 तक फिसलते 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 पूरे घोंटों खींच खाच के लास्ट में आपकी 0 होगी, 0 स्पीड, ठीक है। तो ये था आपकी कहानी थी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि चेंज बहुत अलग अलग है, मतलब पहले 20 बढ़ा, तो यहाँ तो ठीक है 40 बढ़ा, यहाँ देखो अंतर 40 का अंतर, या फिर 20 का अंतर, या फिर 180 का अंतर, तो या फिर 20 का अंतर, तो कुछ मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, कुछ भी हो रहा है, तो उसे बोलेंगे अपन असमान त्वरण। जब समान समय अंतराल में कैसा हो परिवर्तन, असमान हो, तब उसे हम बोलते हैं असमान त्वरण, असमान त्वरण। इसमें कोई दिक्कत समान त्वरण और असमान त्वरण में, कि जब आपने सोच लिया समान त्वरण, यानी कि मैं बिल्कुल समय के साथ हर सेकंड अपनी स्पीड क्या करूंगा, एक निश्चित दर से बढ़ाऊंगा, जैसे 20, 40, 60, जैसे पहाड़े होते ना पहाड़े, बस वैसे स्पीड अगर चले तो क्या हो गया एक समान त्वरण, लेकिन जब आपने अपनी मर्जी से चलाई अपनी गाड़ी तो क्या हो गया असमान त्वरण हो गया। बेसिक तो इसके पीछे पीछे यही है, फिर भाषा में तो क्या है वही लिखा हुआ है जो मैंने मुंह से बोला, समान समय अंतराल में असमान चेंज हो तब उसे बोलते हैं असमान त्वरण, जब समान समय अंतराल में समान हो परिवर्तन तो उसे त्वरण बोलेंगे समान त्वरण। अब अपन चलते आगे, एक और नोट करके, आप लोग मेरे नोट शायद देखते नहीं होंगे, सेंड नहीं किए शायद मैंने, जो नोट नहीं कर पाए होंगे। चलो अपन चलते, एक और होता है त्वरण, एक होता है धनात्मक त्वरण, एक और मोटा मोटा बांटा गया धनात्मक त्वरण, और एक होता है ऋणात्मक त्वरण, इसे समझते हैं, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। देखो धनात्मक त्वरण क्या होता है, जब त्वरण बढ़ता जाए उसे बोलते हैं अपन धनात्मक त्वरण। अच्छा बढ़ता जाए, चलो ठीक है, बाइक में तो सर आपने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, अब कुछ और एग्जांपल दो, जैसे बाइक वगैरह जो होती है ना उसमें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए स्पीड 10 से 20 30 40 50 60 ये हो गया धनात्मक त्वरण,
जब आपकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा एक और एग्जांपल पकड़ते हैं अपन, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसे मैंने क्या किया, छत से मैंने उसको गिरा दिया, छत से ऊपर गया, छत से वहां से मैंने उसको फेंक दिया, तो क्या होगा, उसकी स्पीड पहले जीरो होगी। जैसे छत है, छत है, छत ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग से मैंने यहां से गिरा दी, कोई वस्तु है, तो पहले जीरो होगी, फिर अगले बार। और यहां पर एक चीज याद रखना, यहां पर हर सेकंड बराबर बढ़ती है, ऊपर से जब आप चीज गिराते हो तब ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से स्पीड हो रही है, फिर अगले बार 10 हो जाएगी, 10 से अगली सेकंड 20, फिर अगली सेकंड 30, फिर अगली सेकंड 40, अगली सेकंड 50। तो जब आपको जमीन पे वो वस्तु मिली तब उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। तो यहाँ ये कैसा हो गया त्रण, धनात्मक त्रण हो गया, धनात्मक त्रण। जब आपने ऊपर से कोई चीज फेंकी तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, लेकिन वहां पर बराबर स्पीड से बढ़ती है, ऐसा नहीं कि 20 के बाद उसकी मन में चलो 40 कर लो, नहीं नहीं फिक्स रहती है, ठीक है। तो बराबर और 10 से ही बढ़ती है, 10 भी वहां पर 9.8 कुछ आता है आंसर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतने से बढ़ती है। तो मैंने 10 मान लिया मैंने मोटा मोटा, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऋणात्मक त्वरण फिर क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण इस बार उल्टा करो, इस बार क्या करो, ऊपर से नहीं फेंक रहे हम लोग, नीचे खड़े हुए हैं, आपने गेंद हाथ में पकड़ी और आपने अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर फेंकी, अभी भी स्पीड हमेशा जब आप ऊपर फेंको कितनी भी ताकत से फेंक लो, हमेशा जो कमी आएगी वो हमेशा की निश्चित दर से ही कमी आएगी। जैसे मान लीजिए आपने बहुत ताकत लगाई तो आपने स्पीड 80 से फेंक दिया, आपने 80 मीटर पर सेकंड से, तो अगले सेकंड यहां पर 70 हो जाएगी, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, 20, 10, लास्ट में जाके बिल्कुल जीरो। जीरो के बाद अब तो जीरो हो गई ना स्पीड, अब ऊपर जाएगी ना फिर नीचे आ जाती है, तो यही कहानी फिर चलेगी पूरी, ठीक है। यही कहानी बिल्कुल जीरो से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 से आपको मिलेगी फिर से वो गेंद, ठीक है। तो जितनी ऊपर जाती उतनी उतनी स्पीड से फिर आपको हाथ में गेंद मिलेगी, आए समझ में। इसे अपन बोलते हैं ऋणात्मक त्रण, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, त्रण घट रहा है, और यहां क्या हो रहा है, नीचे से आने पर बढ़ रहा है त्रण। आए समझ में, धनात्मक और ऋणात्मक का कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल भी मैंने नोट्स में जी वाई लिख दिए दो, ठीक है, कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तब क्या होता है ऋणात्मक, और नीचे से आती है, नीचे की ओर आती तब क्या होता है धनात्मक त्रण। चलिए ये तो अपना त्रण का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया समझ में, त्रण मतलब बेसिकली, अब आपको समझ में आ गया होगा त्रण क्या होता है। लेकिन हाँ कभी ये मत बोलना कि अगर गाड़ी स्पीड से जा रही है, किसी मान लीजिए ड्राइवर के साथ साथ आप बैठे हुआ बोल दो त्रण से जा रही है, स्पीड देख के आप बोल दो 40 की स्पीड चल रही है, मतलब 40 का त्रण, स्पीड नहीं होती त्रण, त्रण होता है वेग में परिवर्तन, परिवर्तन कितना किया उसने समय के साथ उसे बोलते हैं। अगर 40 का कांटा फिक्स है तो उस वक्त त्रण जीरो है, उस वक्त त्रण कैसा है, जीरो है, कांटा फिक्स नहीं, कांटा घूमता रहना चाहिए तब होगा त्रण, ठीक है। चलो तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कहीं कोई और सर बताओ डिटेल में और क्या है त्रण, मतलब ये तो दिमाग में नहीं घुस रहा त्रण क्या है, ये बेसिकली सही से घुसाने के लिए मैं बताऊं त्रण मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलेटर आपकी जो बाइक में होता है वही है त्रण। चलो तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, गति के समीकरण। चलो गति के समीकरण सीखने से पहले मैं एक बेसिक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, बेसिक है बहुत, मतलब आप जिस अगर आप लोगों ने मैथ दिया है ना तो आपके लिए तो बच्चों वाली चीज हो गई, लेकिन अभी क्या होगा शायद आपके मैथ में वो आया नहीं होगा, जिसे बोलते हैं अवकलन। आया क्या मतलब, किसी टीचर ने कहीं कुछ समझाया हो, मैथ वाले सरों ने, किसी ने कुछ सुना है कभी ये शब्द अवकलन, अगर जो अच्छा नहीं सुना, चलो ये अवकलन मतलब ऐसा है कि आप लोग मतलब ये बोल दो कि सर ये तो सुन सुन के पागल हो जाएंगे हम लोग, गणित वाले लोग, गणित वाले लोग जो हैं वो तो बिल्कुल ही बावरे हो जाएंगे, इतना आएगा कि गणित में। तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में काम आना चालू हो गया है अवकलन, थोड़ा बहुत तो आना चालू हो गया, तो थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें हैं
वो आप सीख लो। जैसे कि अवकलन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, तोड़ना छोटे 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 हिस्सों में तोड़ना, ठीक है। तो इसके कुछ सूत्र हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कोई संख्या है x, इसका x की घात n लगी हुई है, उसका अगर मैं अवकलन करूंगा, इसे इस तरह से बताते हैं d ओवर dx, ठीक है, इस तरह से इसे बताते हैं d ओवर dx, ये होता है अवकलन। अगर कहीं पर ऐसा आपको दिख जाए d बटे dx, तो इसका मतलब साफ है कि भाई अवकलन चालू हो गए। तो इसका सूत्र होता है, इस n को लाते हैं अपन आगे और x में n की घात में से एक अपन कम कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं x की घात 3 का अवकलन करो, कोई आपसे पूछे x की घात 3 का अवकलन करो, तो d ओवर dx लगाओगे, ठीक है। एक तरह की क्या ये मशीन है, ये एक तरह की ये लगाई मशीन। अब आंसर देखो क्या निकल के आता है, 3 जाएगा आगे और 3 में से एक कर दो कम, तो क्या आ जाएगा 3x2, ठीक है, आया समझ में। जैसे कि कोई भी ले, जैसे x की घात 7 है, इसका मुझे करना है अवकलन, 7 आएगा आगे और 7 में से एक कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना है x की घात 6, ठीक है। 12वीं में तो इतना है ये अवकलन के, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा 12वीं में। चलो ये तो हो गए अवकलन के बेसिक, मतलब एक फॉर्मूला बेसिक। तो ये आपको वैसे तो मैं नोट्स में सेंड कर दी है, इनको याद कर लें। जैसे कि x d ओवर dx, अगर मैं sin x लगाऊं, sin x का होता है cos x। अच्छा अगर cos x का करना हो तो cos x का माइनस sin x होता है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर log x d ओवर dx, log x का 1/x, इतने याद कर लो, अपने लिए इतनी बहुत है, अपने लिए इतने ही बहुत है, इससे ज्यादा अपने में काम नहीं आएंगे, अपने में इतने ही बहुत है, ठीक है। अभी नहीं आया, अच्छा अभी नहीं आया, समझ समझ में नहीं आया, अभी क्या नहीं आया, तुरंत तुरंत वगैरह, अवकलन, अच्छा हाँ अवकलन नहीं आया, अच्छा हाँ अवकलन अभी नहीं आया होगा, अभी आएगा, अभी आएगा शायद, अभी आपके में शायद, मे भी शायद ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद कराएंगे सर, समझाएंगे तब आपको आ जाएगा। तो अभी तो अपन को तो बस इतने से ही काम है, अपन को जाना नहीं उसमें ज्यादा, इतने से ही अपना अपना काम चल जाएगा, ठीक है, इतने से ही अपना काम चल जाएगा, ठीक है। ये अपना ये चार सूत्र याद कर लो और वहां तो फिर बाढ़ ही आएगी सूत्रों की, बिल्कुल बाढ़ आ जाएगी सूत्रों। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अवकलन को इतना आपने समझ लिया, अपन आगे बढ़ते हैं। गति के समीकरण अपन सिद्ध करते हैं, गति के समीकरण। अच्छा गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं पता है ना, कौन कौन से गति के समीकरण, गति के समीकरण कौन से, एक तो v बराबर यू प्लस ए टी, तो याद कर लो, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2, ये तो आपने शायद क्लास 10th या 9th में भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। ये तीन होते हैं गति के समीकरण, एक है v बराबर u प्लस ए टी, एक है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा अब ये सूत्र बने कैसे, ये अपन देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले इस वाले सूत्र को समझते हैं। अच्छा अभी मैंने बताया था त्वरण का सूत्र क्या होता है, a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, ये होता है इसका सूत्र, क्या होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। अच्छा वेग में परिवर्तन, चलो मैं इस बार कुछ डाटा लेके नहीं चल रहा, मैं कुछ नोटेशन मान के चलता हूं। चलिए माना कि हम लोग बाइक पर बैठे, हमारी प्रारंभ में माना हमारी स्पीड u थी, कुछ भी मान लो u थी, फिर बाद में t समय बाद हमारी स्पीड v हो गई, क्या हुआ, पहले हमारी स्पीड u थी, प्रारंभिक स्पीड को बोलते हैं इसके अंदर u, फिर बाद में हमारी स्पीड हो गई v t समय बाद, t मतलब कुछ भी सकता है, एक मिनट बाद, दो मिनट बाद, 40 सेकंड बाद, कुछ भी, वो उसको बोलने टी मान लिया। तो ये भाषा होगी, तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, भी माइनस के यू,
समय कितना लगा टी, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि इसमें से इसको घटाना है। परिवर्तन का मतलब ही क्या होता है, जैसे कि पहले आपकी मान लीजिए पहले आप में कितना वजन था, 40 किलो वजन था, अब आपका हो गया वजन 50 किलो, तो मैं पूछूं कि आपके वजन में कितना आया परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि घटाना, कितना आया 10 का आ गया ना, परिवर्तन कितना आ गया 10 का, 50 माइनस 40 सेम ऐसी है, वेग में परिवर्तन कितना हुआ v माइनस के u, बस। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, at बराबर v माइनस के u। अब यहां से अगर मैं u को इधर लाऊंगा तो ये कितना आ गया at प्लस u बराबर v, देखो सिद्ध हो गया v बराबर u प्लस at, कहीं से आया ये v बराबर u प्लस at, कहीं और से थोड़ी आया ये, ठीक है। चलिए कल अपन ये बाकी के दोनों अपन करेंगे, आज अपन इतना ही रखते हैं आज की क्लास को, कल अपन और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, इसमें क्या सवाल बहुत जाना है, सवाल में तो सवाल अपन कल करेंगे, और अच्छे अच्छे सवाल इससे रिलेटेड सवाल इन तीनों से, तो कल दो मिनट में अपन इन दोनों को सिद्ध कर लेंगे, फिर अपन इससे रिलेटेड अपन सवाल करेंगे, ठीक है। चलो तो अपन कल मिलते हैं, ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, चलिए बाय।